अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबशर और आप देख रहे हैं फोकस इट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि बेसमेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। अगर आप गांव में बनाने का सोच रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गांव में ज़मीन सस्ती होती है। अगर आपको शौक है बेसमेंट बनाने का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो आपका जो नॉर्मल घर है उससे डबल में आपकी बेसमेंट तैयार होगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप जो है वो जगह और ख़रीद के उसे तामीर कर लें, उससे आपका कम खर्चा होगा बजाय कि आप बेसमेंट बनाएं। और अगर आप शहर में बेसमेंट बनाने का सोच रहे हैं, और शहर में भी उस जगह बनानी चाहिए जो पोश एरियाज होते हैं, जहाँ पे ज़मीन काफ़ी महंगी होती है। अगर आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पा रहे और बेसमेंट बनाना आपकी मजबूरी बन चुका है, तो फिर ही आप बेसमेंट बनाइए, अदरवाइज बेसमेंट बनाने का सोचिए भी ना। क्योंकि बेसमेंट जो है, अगर आपका फ़र्ज़ करें कि आप DHA वगैरह में या किसी भी पोश एरिया में एक कनाल का घर बना रहे हैं, तो वो आपका 1400 1500 या 1600 रुपये पर स्क्वेयर फिट अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो बेसमेंट है वो आपकी उससे तकरीबन 1000 रुपये ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से 1000 रुपये ज़्यादा जो है वो पर स्क्वेयर फिट लगेंगे। क्योंकि अगर आपका ग्राउंड फ्लोर 1600 रुपये या 1500 रुपये पर स्क्वेयर फिट में बन रहा है, तो आपकी बेसमेंट 2400 से 2600 रुपये पर स्क्वेयर फिट में बनेगी। ठीक है, तो अगर तो बहुत मजबूरी है तो फिर बनाएं, अगर नहीं तो आप ना बनाएं। अगर आप सर्वेंट क्वार्टर जो है वो अक्सर बंदे कहते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर जो है बेसमेंट में बना देते हैं, अगर तो आपके पास स्पेस है ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे मैनेज करने की, तो आप सर्वेंट क्वार्टर को ऊपर बना लें, अगर नहीं तो फिर आप बना सकते हैं। लेकिन मजबूरी नहीं समझना बेसमेंट को आपने। बेसमेंट जो है वो, और एक सवाल और पैदा होता है, कुछ बंदे कहते हैं जी कि जी हमारा प्लाट गहरा है तो क्यों ना बेसमेंट बना लें, तो ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे सिर्फ बेसमेंट बनाने के लिए जो खुदाई की जाती है ना, सिर्फ उसकी बचत होती है, बाकी खर्चे वही हैं। और फिर आप जब किसी और बंदे से बात करोगे, तो किसी ठेकेदार मिस्त्री से, तो वो आपको ये कह देगा कि हम आपको सस्ते में बेसमेंट बना देंगे, तो वो आप उसकी बातों में आके बेसमेंट तो बनवा लेंगे, लेकिन सस्ती बेसमेंट का मतलब है आपने जितने भी पैसे लगाए ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे भी लगाए, वो भी आपने ज़ाया कर दिए। क्योंकि आपने पूरे घर की बुनियाद जो है वो कमज़ोर RCC की दीवारों पे रख दी है, जो उसने आपको कहा था कि मैं आपको बेसमेंट सस्ती में बना के दूंगा। तो अगर आपने बेसमेंट बनाना है, तो मेरा मशवरा है तो आप इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो बेसमेंट बनाएं, स्ट्रक्चर इंजीनियर जिस तरह कह रहा है उस तरह बनाएं, दीवारें बिल्कुल 9 इंच की बनाएं, उसकी बाहर वाली RCC की दीवारें, नीचे राफ्ट डालें, ठीक है, स्लैब ऑन ग्रेड कहते हैं उसे, वो डालें और उसकी वाटरप्रूफिंग करें, केमिकल कोटिंग लगाएं, मेम्ब्रेन लगाएं, ठीक है, वाटर स्टॉपर लगाएं और ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करें, जो आपको सस्ती बेसमेंट बना के दे रहा है वो इनमें से एक चीज़ भी है उस पर अमल नहीं कर रहा होगा, तो समझ जाए कि आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। कुछ लोग गांव वगैरह में जो कहते हैं जी हमने वैसे ही बेसमेंट बनानी है, उनका शौक होता है, तो वो अपना शौक पूरा कर लें, पैसे लगा लें, ठीक है, तो मैं उनको नहीं रोक सकता। अगर आपकी ज़रूरत है तो बनाएं, अदरवाइज़ बिल्कुल ना बनाएं। ये बात मैं आज सिर्फ कर रहा हूँ रहायशी बेसमेंट की, कमर्शियल की नहीं। कमर्शियल में तो बहुत मजबूरी होती है, क्योंकि वो आप कमर्शियल एरिया बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, तो वो तो उधर तो बनाना मजबूरी है, और वो भी बड़े शहरों में। तो गांव वगैरह में कमर्शियल एरिया में भी बेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपको मैंने फ़र्क तो बता दिया कि आपका जो पर स्क्वेयर फिट कास्ट है वो तकरीबन 80 गुना जो है वो ग्राउंड फ्लोर की निस्बत बढ़ जाती है बेसमेंट बनाने से। तो बेसमेंट बनाने से अवॉइड करना चाहिए, ज़रूरत हो तो बनाएं, अदरवाइज़ बिल्कुल ना बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।